जी हाँ दोस्तों, बीबी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बुढ़ापा पेंशन और किसानों भाइयों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निर्देशक अनिल सहरावत ने बताया है कि धान की फसल में एक किलोग्राम चावल पैदा होने के लिए 4,000 से 5,000-6,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि किसान 15 जून से पूर्व धान की बिजोई करता है तो पानी की खपत और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय वायुमंडल में वाष्पीकरण की मात्रा अत्यधिक होती है, जिससे पानी वाष्पीकरण से ज़्यादा लगता है। उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार द्वारा हरियाणा सबसॉइल वाटर और एक्ट 2009 नामक कानून लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 15 जून से पहले कोई भी किसान धान की बिजोई ना करे, क्योंकि इस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध भी लगाया गया है। वहीं आपको बता दिया जाए कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर के अगर किसी बुजुर्ग को ये लगता है कि रिकॉर्ड में उसकी आय अधिक दिखाई गई है तो वह दस्तावेज के साथ अपना बदलाव भी कर सकता है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर के हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि जिन बुजुर्गों की सालाना आय 3,00,000-3,50,000 रुपये से कम है, उससे अधिक केवल पेंशन की रोकी जा सकती है। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बुढ़ापा पेंशन लाडली सामान्य राशि विधवा पेंशन व निराशित संबंधित पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। हरियाणा में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलेगा जो इस दायरे से कम कमाई करते हैं। दोस्तों जुड़े रहे एडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।